शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। आतिफ के साथ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज जबरदस्त सा अच्छा सही सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग जो मैं आपको दिखाती हूँ ताज़ा ताज़ा हवा के साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो वैसे मौसम में गई किचन में जाऊंगी। अब मैंने ना निकाल दिया है कैचअप आएंगी सही हो रहे हैं कह रही मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि ज़ियान स्कूल नहीं जा रहा है। ज़ियान की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ज़ियान को स्कूल नहीं भेजा। तो ना वो भी कह रही थी मम्मा मैं नहीं जाऊँगी। यहाँ हमारे बर्गर और ब्रेडी है एप्पल तो मैंने लोरेन को दे दिया था। फिर वो ज़ियान साफ उठ गए थे। ज़ियान ने कहा मम्मा मैं भी खाऊँगा मुझे भी चाहिए मुझे भी नाश्ता करना है। तो यहाँ लोरेन तैयार हो रही है तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं थोड़ा ज़्यादा है ना डबल रोटी फ्राई कर लेती हूँ। एप्पल बचे थे तो मैंने एप्पल और ये इनका नूरैन कही थी हाफ बर्गर लेके जाऊँगी तो मैं इंसान को दे दिया था। तो बस है ना यहाँ मैंने ना दोनों बच्चों का नाश्ता रेडी कर लिया था। नाश्ता हो गया था नूरैन चली गई खाकर और बस ये जान बैठे हुए इन्होंने भी ना जल्दी से अपना ना नाश्ता फिनिश करा। मैंने कहा जल्दी से दवाई पी लो आप दवाई का टाइम हो जाएगा हो गया था। तो मैंने फिर इसके बाद ना दवाइयाँ रखी तो मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ। मैंने जल्दी से ना चादर वगैरह बिछाई झाड़ू वगैरह पोछा सब कुछ करके और ये मैंने ना स्प्रे वगैरह सब कर लिया था क्योंकि अच्छा लगता है काम कर लेती हूँ ना। तो स्प्रे तो इसमें बस यहाँ थोड़ा नखरा कर रहे थे दवाई पीने में फिर मामा पानी पीऊँगा बार बार। तो बस फिर मैंने ना इनको सुला दिया था बच्चों को। रश्मा भी सो रही थी लाइट ऑफ कर दी मैंने कहा आप सो जाओ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिर यहाँ मैं ज़बरदस्त ना बेसन का हलवा रेडी कर रही थी। उस दिन मैंने आप लोगों को ना रेसिपीज़ बताई थी वो बहुत अलग सी थी और ये मेरा ना बेसन का हलवा थोड़ा सा आना चेंज है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने 2 कप ना बेसन ले लिया है इसमें मैंने पैन में डाला और इसको अच्छी तरह मैंने इसको भूना ताकि उसका है ना चने का उसकी खुशबू आने लगे। तो घी डाला और ये असली देसी घी था मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिया इस पर। उसका टेस्ट है ना ज़बरदस्त अच्छा आ जाता है ना। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इसकी भून के ना अच्छा हमारा तैयार हो जाए। फिर इसी के साथ मैं ना इलायची 3-4 इलायची डाल दूँगी इसमें मैंने डाल दी। और एक और बात आप जब पानी इसमें डालें ना तो नीम गर्म डालिएगा ठीक है। और ये ना जर्दे करा मैंने डाल दिया इसमें दूध डाल दिया था अच्छी तरह इसको मिक्स करा मैंने चीनी डालती थी। और आप लोग ना ठंडा पानी यूज़ नहीं करिएगा इसमें जब डाल लें अकड़ जाएगा वो ना हलवा। तो ये मैंने गर्म पानी था गर्म पानी हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में मिक्स करा वो है ना स्मूथ सा नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सा ना बनता जाएगा भुनने के बाद। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ज़बरदस्त है बहुत ऐसा लगता है कि हम चने की दाल का हलवा खा रहे हैं। फिर मैंने इसमें मेरे पास अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप में ना क्रीम ऐड करिएगा वरना नहीं कीजिएगा ठीक है। लेकिन मैंने क्रीम ऐड किया था इससे और यूनिक और ज़बरदस्त सा टेस्ट आ गया था क्रीम से दूध से। और तो बस यहाँ मेरा ज़बरदस्त ये देखें हलवा रेडी है। यहाँ पे मेरे ना पुलाव बना लिया था। जब अच्छा चीज़ बने तो मीठा तो दिल चाहता है खाने का हमारे घर वालों का। मैंने इसके साथ झटपट ये तैयार दोनों चीज़ें रेडी कर ली थी। थोड़ा पुलाव बना लिया था मैंने और है ना हलवा रेडी कर लिया था। तो दोनों चीज़ें मेरी ना ज़बरदस्त सी है ना रेडी हो गई थी। बहुत पसंद आई हस्बैंड को बच्चों को कि मामा बहुत अच्छा है। दोनों चीज़ें मैंने झटपट तैयार कर ली थी। तो ये आज हमारे ये दोनों खाने हो गए थे। खैर ये तो कल का ना व्लॉग है ये आज मैं एडिट करा इसको। तो बस शाम हो गई थी फिर मैंने बच्चों को उठाया मैंने कहा आप जल्दी से ना नूरैन आप स्कूल का क्या होमवर्क मिला है आप वो कर लो। नूरैन को ये प्रोजेक्ट मिला था मम्मा ये बनाना है सफ़ाई नफ्स ईमान वज़ू के कुछ तरीके थे पाक साफ़ किस तरह रहते हैं। तो उनको मैंने ना डायग्राम ड्रॉ करके दी पहले पेंसिल से ड्रॉ करके दी है और फिर उसके बाद मैंने ना इस पर कलर से आउटलाइन वगैरह करा। और देख सकते हैं मेरी माशाल्लाह कितने अच्छी है ना ड्राइंग है। और ये देखिए सब कुछ ये लिखा हुआ है मैं रोज़ाना नहाता हूँ ये सब के ना लिखना भी था और उसकी डायग्राम भी बनाना था। तो कहने लगी कि मम्मा ना टीचर को इतना पसंद आया था और टीचर ने तो इसमें मुझे एक्सीलेंट दिया। मम्मा कह रही है आपकी मम्मा की आर्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपने देखें आप पहले भी मैंने आपसे शेयर की थी। चलिए ठीक है, छोटा सा व्लॉग था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।